बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर ऑफिस से हैं। आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन में आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है उसकी डेरिवेशन के ऊपर बात करेंगे। डैट इज़ द पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। दिस इज़ दी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपका पेपर में। अगर आप देखेंगे तो समटाइम इसकी डेरिवेशन का मतलब भी पूछ लेता है कि ड्राइव करें पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को, और अदरवाइज इसको आपने अपने क्वेश्चंस में तो इस्तेमाल करना ही है। पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में होता क्या है, आपके पास एक्स की पावर जो एन है इसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे पढ़ते हैं जी डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इक्वल होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। पावर शुरू में, पावर में से एक कम। पावर क्या है, पावर आपकी एक्चुअली यहाँ पर रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर आर से बिलोंग करती है, ठीक है, यानी कोई भी पावर हो सकती है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 5 है, तो आंसर क्या आएगा, पावर शुरू में पावर में से कम कर देंगे एक्स की पावर 4। आपके पास एक्स की पावर माइनस 5 है, इस पर भी ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, पावर शुरू में पावर में से कम कर देंगे माइनस 5 माइनस 1, एक्स की पावर माइनस 6 आ जाएगी, ठीक होगी। इसी तरह ही फर्ज करें कि पावर आपके पास है 5/2, पावर आपकी नेगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर हर किस्म का रियल नंबर हो सकती है ये, आप पावर शुरू में ले जाएंगे 5/2, पावर में से एक कम कर देंगे, याद रखिएगा 5/2 एक्स की पावर 3/2, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसका हमने आज प्रूफ करना है, सही है। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताता चलूँ कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में अगर आप गौर करेंगे तो वहाँ पर जो पावर है वो रैशनल नंबर क्यू से बिलोंग की हुई है, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। आपकी जो पावर है पावर ऑफ डिफरेंशिएशन में ये कोई भी रियल नंबर हो सकती है, यानी इरेशनल भी हो सकती है। चलें खैर, इसको प्रूफ करने के लिए हम यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या बाई डेफिनेशन जो है उसके जरिए हम इसका प्रूफ करते हैं। तो किसकी डेरिवेटिव हमने लेना है, एक्स की पावर एन, तो हमारा फंक्शन जो है वो एक्स की पावर एन है, तो आप सबसे पहले इसमें लेट कर लेंगे y इक्वल है x की पावर n के, जिसका डेरिवेटिव लेना उसका हम बाय डेफिनेशन आप जानते हैं उसका नाम हम y रख लेते हैं। उसके बाद अगला स्टेप आप लिखते हैं टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप इंक्रीमेंट कर लेंगे जी। तो इंक्रीमेंट का मतलब आपको मैंने बताया हुआ है कि y को आपने बदल देना है y प्लस डेल्टा y से, और x को आपने चेंज कर देना है x प्लस डेल्टा एक्स से। तो वाई की जगह आपने लिखा वाई प्लस डेल्टा वाई, और एक्स की जगह आपने लिखा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, होल पावर एन आ गई। यहाँ पर स्टूडेंट जो गलती करता है वो ये करता है कि जब यहाँ पर इंक्रीमेंट करता है तो इस तरफ ऐसे लिखता है एक्स की पावर एन के साथ डेल्टा एक्स ऐड कर देता है, ये गलत है। आपने एक्स के साथ एक्स की पावर एन के साथ नहीं प्लस करना, एक्स की जगह आपने लिखना एक्स प्लस डेल्टा एक्स और पावर एन बाहर आ जाएगी, ठीक होगी बात ये। अच्छा, यहाँ से वाई को आप दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा x की पावर n माइनस y, ठीक है। डेल्टा y इक्वल टू ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा x की पावर n माइनस y, किसके इक्वल है जी, x की पावर n के, तो y की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा x की पावर n, ठीक हो गया। यहाँ तक पहुँचने के बाद जब आपने y सब्ट्रैक्ट कर दिया, y की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ आप लिखते हैं y किसके इक्वल है, x की पावर n के। तो अब आपने ना यहाँ से ये जो x की पावर n है एक्चुअली इसको इन दो टर्म में से कॉमन निकालना है, x की पावर n को कैसे कॉमन निकालना है, सबसे पहले यहाँ से x कॉमन निकालते हैं, ब्रैकेट में से x कॉमन निकाला ऐसे, यानी कॉमन निकालने का मतलब है कि डिवाइड कर दिया, x को x पर डिवाइड किया 1 रह गया, और यहाँ पर इसको डिवाइड किया ये आ गया डेल्टा x ओवर x, और ये आ गई होल पावर n। अभी मैंने पावर में से बाहर नहीं कॉमन निकाला, सिर्फ अंदर से ऐसे लिखा मैंने। आपको अगर लगता है कि गलत हो गया तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखें, एक्स वन द एक्स और एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स एक्स से कट जाएगा, तो बाकी दोबारा डेल्टा एक्स रह जाएगा। यहां पर इस चीज को याद रखिएगा, ऐसा नहीं करना कि आपने एक्स और डेल्टा एक्स कट गया, एक्स के साथ डेल्टा के साथ जो एक्स है वो कट गया बाकी डेल्टा रह गया, ऐसा नहीं होता, सही है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी रह गया माइनस एक्स की पावर है ये वाला। अब यहां पर आप दोनों तरफ ये पावर अलग-अलग कर देंगे, यानी कि ये आ गया एक्स की पावर एन, वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन, क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब आप ऐसा करें कि यहां पर ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में x की पावर n को आप बाहर कॉमन निकालें, डेल्टा y इक्वल टू x की पावर n कॉमन निकाला,
इधर ये रह, इधर ये ब्रैकेट रह जाएगी, वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर एन, वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर एन माइनस, और यहां पर क्या रह जाएगा, ये एक्स की पावर एन कॉमन निकाला, बाकी रह गया वन, ये वन रह गया। नहीं जी, अब आपने यहां पर आकर ये सोचना है कि आप बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करेंगे या बाइनोमियल सीरीज इस्तेमाल करेंगे। आपकी पावर क्या है, पावर कोई रियल नंबर है, जब पावर आपकी रियल नंबर होती है तो आपने ये वाली ब्रैकेट ओपन करने के लिए जिसमें दो टर्म है, वन है और डेल्टा एक्स ओवर एक्स है और होल पावर एन है। आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने ए प्लस बी का स्केयर ओपन करना है, ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी की पावर फोर, या यानी दो नंबर हैं वो प्लस या माइनस हो रहे हैं, उनकी कोई पावर है, ठीक है, तो उसके लिए आप बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। थ्योरम तब लगता है जब पावर पॉजिटिव होती है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, लेकिन अगर पावर नेगेटिव भी हो, रियल नंबर कोई भी हो जाए, तो फिर उस समय आप बाइनोमियल सीरीज लगाते हैं। तो यहां पर आप लिखोगे बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज, बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज बाइनोमियल सीरीज कैसे अप्लाई करनी है, देखिएगा किस पर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है, इस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के ऊपर, और कैसे अपन करते हैं, देखते हैं बाइनोमियल सीरीज पर कैसे अप्लाई करनी है। सबसे पहले देखो ये वन है, पहली टर्म ये वन लिखनी है, फिर आपने ये जो पावर है एन ये लिखनी है, फिर आपने सेकंड टर्म लिखनी है डेल्टा एक्स ओवर एक्स लिख दी है। अब फिर दोबारा फिर आपने पावर लिखनी है, फिर पावर में से कम कर देना है डिवाइडेड बाय टू का फैक्टोरियल, फिर ये सेकंड टर्म का स्केयर आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्केयर, ठीक है। इसी तरह ही अगली टर्म आप लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिखने की जरूरत नहीं है, वो आएगी पावर, पावर में एक कम, फिर पावर में से दो कम, डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स का क्यूब, वो इतना छोड़ दें, इतना ही काफी है। तीन टर्म में लिख दी आपने इसको ओपन करके, अप टू सोन चलता जाएगा, क्योंकि ये बाइनोमियल सीरीज है, बाइनोमियल सीरीज की लास्ट टर्म कोई नहीं होती, तो ये जो पूरी ब्रैकेट आपने ओपन की है ना, वो ये सारी है, सारी की सारी, ये नहीं रोकी बात, ये नहीं, लास्ट में ये जो माइनस वन है ये यहां पर आ जाएगा, क्लियर रोकी बात की नहीं। नहीं जी, अब आपने क्या करना है, ये शुरू वाला वन है, ये लास्ट वाला वन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, सही है। ये कैंसिल होने के बाद जो बाकी टर्म बचती है ना, उनमें डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन निकाल लेंगे आप, तो टेकिंग डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन फ्रॉम द ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन अंदर से, यहां क्या रह जाएगा एन, यहां रह जाएगा एन इन टू एन माइनस वन ओवर टू का फैक्टोरियल, देखो डेल्टा एक्स ओवर एक्स आपने कॉमन निकाला, यहां पर है स्केयर, तो स्केयर है तो बाकी कितना रह जाएगा, एक रह जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स रह जाएगा, अब टू सोन चलता जाएगा, ठीक होगी बात। अच्छा यहां पर देखें, ये आ जाएगा ऊपर पावर जाकर एक्स इनवर्स बन जाएगी इन टू डेल्टा एक्स, दोनों तरफ ये जब कॉमन आपने निकाल लिया ना, तो दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड भी करवा दें, ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इधर भी डिवाइड करवा दिया, इधर भी डिवाइड करवा दिया, और बाकी जो अंदर है वो वैसे ही एन इन टू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल इन टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स अप टू सोन, क्लियर होगी बात कि नहीं। अच्छा नहीं जी, डेल्टा एक्स से कट गया, अब लास्ट स्टेप, जब आपने डिवाइड करवा दिया तो लास्ट स्टेप ये होता है टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप डेल्टा एक्स लिमिट अप्लाई कर दें, जहां जहां पर डेल्टा एक्स है वहां पर ये लिमिट अप्लाई लिखेंगे बेटा, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू, ये दोनों बेस एक जैसे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ये आ जाएगी एक्स की पावर एन माइनस वन एन प्लस एन इन टू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल। अब देखो जहां जहां पर डेल्टा एक्स है वहां पर आपने लिमिट शो करनी है, तो डेल्टा एक्स इधर है, इधर भी लिमिट शो करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो डेल्टा एक्स ओवर एक्स, क्या इससे जो अगली टर्म आ रही है उनमें डेल्टा एक्स होगा, जी बिल्कुल होगा, जारी सी बात हमने लिखी नहीं है, लेकिन उनमें जारी सी बात है डेल्टा एक्स ओवर एक्स का क्यूब आ रहा होगा, फिर पावर फोर आ रही होगी, फिर पावर फाइव आ रही होगी, तो इसलिए एक यहां पर लिमिट भी आप शो करें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो अप टू सोन, इस तरह ये कर देंगे, ठीक होगी बात ये। अच्छा ये जो सारी साइड है इसको मैंने आपको बताया हुआ है, इस सारी चीज को क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स की पावर एन माइनस वन इन टू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल। अब देखो जहां डेल्टा एक्स है वहां जीरो लिखो,
ये यहां डेल्टा एक्स, यहां जीरो लिखोगे, ये आ जाएगा जीरो बाई एक्स प्लस आगे कहां लिखना है इसको फिलहाल लिख तो नहीं सकते, लेकिन ऐसे ही लिमिट शो कर दे मैं साहब एक स्टेप में, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो अप टू सॉन। क्लियर है? अच्छा मुझे बताएं, डेल्टा एक्स के लिए आपने जीरो लिख दिया तो ये बन गया जीरो ओवर एक्स, जीरो ओवर एक्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ये सारी टर्म जीरो होगी, इसी तरह ही अगली टर्म में भी डेल्टा एक्स आ रहा होगा, तो उनमें भी जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे वो भी सारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपके पास ये सारा कुछ जीरो हो जाएगा, सिर्फ एक टर्म, एक चीज बचेगी यहाँ पर एक्स की पावर एन माइनस वन एन प्लस, ये सारा जीरो हो गया, इसी तरह आगे भी जीरो आ जाएगा प्लस जीरो, ये सारा चलता जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, सिर्फ एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, और यही हमने प्रूफ करना था कि इसका डेरिवेटिव है। तो आसान सा प्रूफ है ये, आपका पास पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा, छोटी सी वीडियो है, वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके जो एक्सरसाइज 2.1 है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से है उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।